फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, PLR स्टैंड्स फॉर। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा PLR का मतलब होता है टाइम लैंडिंग रेट। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इज, अगेन ये रिपीट क्वेश्चन है, मैं आपको करा चुकी हूँ ये पहले भी। तो देखिए, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों की बात की जा रही है, तो एग्जिम पॉलिसी आएगा जिसका फुल फॉर्म होता है एग्जिम का, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, ठीक है। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फ्रेंड, जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, या फिर जो हम पहले कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। नेक्स्ट है, द ट्रांसफर ऑफ असेट्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर इज रेफर टू एज, यानी कि ऐसी असेट्स का ट्रांसफर जो कि पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में होता है वो क्या कहलाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मैंने कल आपको बताया था, अगर वो पब्लिक सेक्टर के हैंड में है, उसका कंट्रोल एंड रेगुलेशन, और फिर बाद में उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है, तो वो प्रोसेस पूरी कहलाती है हमारी प्राइवेटाइजेशन। इससे क्या होता है, अब पूरा कंट्रोल, पूरा रेगुलेशन प्राइवेट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर अपने अकॉर्डिंग उसको उस चीज़ को ऑपरेट करेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पेस्टल इज एन एनालिटिकल टूल विच हेल्प्स टू अंडरटेक। अब जब यहाँ पे पेस्टल एनालिसिस है, वो किस तरह की एनालिसिस है। फ्रेंड, सबसे पहले एनालिसिस जानने से पहले कि किस तरह की, आपको इसकी फुल फॉर्म जाननी होगी। तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म होती है पी से यहाँ पे होता है पॉलिटिकल, ई से है इकोनॉमिकल, एस से है सोशल, टी से है टेक्नोलॉजिकल, एल से है लीगल, और लास्ट जो ई है वो हमारा है एनवायरमेंटल। तो देखिए, एक ई इकोनॉमिक की बात करता है, एक एनवायरमेंट की। तो ये सारे एस्पेक्ट आपको क्या बता रहे हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पे है इंटरनल, एक्सटर्नल, कॉम्पिटिटर या स्ट्रेटेजिक। तो देखिए, ये सारे एस्पेक्ट जो थे, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सारे एक्सटर्नल हमारे फैक्टर हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं उसको एनालाइज करने में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बी राइट आंसर होगा, एक्सटर्नल एनालिसिस। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और हमारा इकोनॉमिकल, ये सारे क्या है, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। तो अगर हम इसकी एनालिसिस करेंगे तो वो हमारी एक्सटर्नल एनालिसिस कही जाएगी। और अगर हम बिजनेस से रिलेटेड सारी चीज़ देखते हैं कि बिजनेस में क्या स्ट्रेटजी है, क्या कंट्रोलिंग प्लानिंग है, तो वो हमारी इंटरनल एनालिसिस है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आते हैं, एन एनालिसिस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की किसी भी तरह की एनालिसिस करते हैं, तो वहाँ पे फर्म क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है, उसकी स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी को, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को, वीकनेस एंड थ्रेट्स को, या फिर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स को। तो फ्रेंड्स, देखिए, इसको जानने से पहले आपने एक एनालिसिस पढ़ी होगी जिसको हम बोलते हैं सॉट एनालिसिस, ठीक है। सॉट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक्सटर्नल की बात करें, जब भी आपको सॉट एनालिसिस आपने पढ़ी होगी तो उसमें बताया होगा, जो सॉट एनालिसिस होती है वो हमारी दो चीज़ों से मिलकर बनती है, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे याद कर लीजिए, ये जो हमारा ओटी होता है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट होता है, जबकि हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है ये हमारी इंटरनल होती है। क्योंकि देखिए, हमारी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये हम आपकी इंटरनल जो भी आपका मैनेजमेंट होगा, आप उससे पता लगा सकते हैं कि आपका मैनेजमेंट बहुत पावरफुल है तो आपको पता है कि ये आपकी स्ट्रेंथ है, या फिर आपका जो मैनेजमेंट है वो पावरफुल नहीं है तो आपको पता है ये आपकी वीकनेस है। जबकि अपॉर्चुनिटी हमें बाहर से पता चलेगी कि हाँ, मार्केट में ये चीज़ आई है, लेकिन अभी तक आपके कॉम्पिटिटर ने ये फॉलो, ये मेथड अडॉप्ट नहीं किया, या फिर ये टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आए, तो वो क्या हो गई आपके लिए, अपॉर्चुनिटी। या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, वो आपकी कॉम्पिटिटर ने अडॉप्ट कर ली है, तो वो क्या हो गया आपके लिए, थ्रेट हो गया। तो अपॉर्चुनिटी, थ्रेट आपके एक्सटर्नल से पता चलती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख के, और जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होती है वो आपकी खुद के एनालिसिस से पता चलती है, जो कि हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट से डिपेंड करती है, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा, सॉर्ट हमारी दो एनवायरनमेंट से मिलकर बनती है, दो एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे तभी हमारी सॉर्ट एनालिसिस हो पाएगी।
जैसे कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा. फ्रेंड्स, आई होप ये जो भी मैंने आपको शॉर्ट के थ्रू समझाया है वो आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट आते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन. अब यहाँ पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के बताना है कि ये किस तरह के प्रोडक्ट में डील करते हैं. ऑलवेज प्रोड्यूस प्राइमरी गुड्स, ऑलवेज प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, प्रोड्यूस सर्विस, या फिर प्रोड्यूस प्राइमरी और मैन्युफैक्चर्ड. तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि आज में टाइम जो ग्लोबल टाइम है उसमें क्या है, जो MNC हैं, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, वो प्राइमरी के साथ साथ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो होते हैं उनमें डील करती हैं. इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मे प्रोड्यूस प्राइमरी और मैन्युफैक्चर्ड. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्स इन द पॉटर फाइव फोर्सेस मॉडल. अब इसमें जो पॉटर के फाइव फोर्सेस मॉडल हैं उसमें यहाँ पे ये बताया गया है कि कौन सा फोर्स नहीं है. बायर, सप्लायर, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, या फिर इंडस्ट्री राइवलरी. तो देखिए यहाँ पे इसके राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, पोर्टर के फाइव फोर्सेस में ये नहीं बताया जाता है. तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है. तो देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि इन तीन की बात कर रहा है और जो नहीं बात करता है वो है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट. और यहाँ पे बात की जा रही है फाइव फोर्सेस मॉडल की. तो आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताने हैं वो कौन कौन से हैं. फ्रेंड्स, मैं आपको इसलिए बोलती हूँ कॉमेंट सेक्शन में बताने हैं क्योंकि इससे आपका रिविजन होता है. अगर आपको नहीं पता होता है तो आप उसको सर्च करने की कोशिश करते हो, और अगर आपको पता होता है आप यहाँ लिखते हो तो आपका रिविजन हो जाता है. नेक्स्ट आते हैं वैल्यू ड्राइवन कंपनीज. अब जो वैल्यू ड्राइवन कंपनीज होती हैं वो किस तरह की कंपनीज होती हैं. यहाँ लिखा है शॉर्ट टू बी सक्सेसफुल इन लॉन्ग रन, यानी कि लॉन्ग रन में सक्सेसफुल होती हैं. अनसक्सेसफुल एज दे आर नॉट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, या फिर बिकम चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. तो देखिए फ्रेंड्स, वैल्यू ड्राइवन कंपनीज जो होती हैं, अगर हम बात करें तो इनमें से वैल्यू ड्राइवन कंपनी कोई भी नहीं है. ना ही लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं, ना ही ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगी तो वहाँ पे अनसक्सेसफुल होंगे, ना ही ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती हैं. इसलिए यहाँ पे नन ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फर्म्स चूज अ फोकस स्ट्रेटजी टू सर्व द नीड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. अब यहाँ पे बात की जा रही है कि जो फर्म है वो किस तरह की स्ट्रेटजी सर्व करती है नीड्स को देख के. ठीक है, बायर्स के ग्रुप की, डिफरेंट सेगमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन को देखकर, डिफरेंशियल जियोग्राफिकल मार्केट को देखकर, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो फ्रेंड्स, कोई भी फर्म अगर किसी भी तरह की स्ट्रेटजी पर फोकस करेगी जो भी नीड्स होती हैं उसको सर्व करने के लिए, तो सबसे पहले वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सारी ही चीज़ें वो देखेगी कि उसके बायर ग्रुप कौन सा है, उसके प्रोडक्ट लाइन का डिफरेंट सेगमेंट कौन सा है, कौन सा ज्योग्राफिकल मार्केट है जहाँ पे उसे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है. तो ये सारे फैक्टर ही उसको ध्यान में रखने होंगे, तभी वो अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छी सी स्ट्रेटजी बना सकती है. इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट. अब हमें यह बताना है कि जो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट होती है उसमें से इसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं. इट्स सर्व अ होमोजीनियस सेट ऑफ मार्केट, यानी कि ये होमोजीनियस नेचर के जो प्रोडक्ट होते हैं या मार्केट होते हैं उसमें अपनी डीलिंग करती है. इट्स सर्व अ यूनिक सेट ऑफ प्रोडक्ट. तो देखिए यहाँ पे होमोजीनियस है, यूनिक यानी कॉन्ट्राडिक है, तो इनमें से कोई एक ही ठीक होगा. इट ओन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स ओन प्रॉफिटेबिलिटी, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखें तो देखिए फ्रेंड्स, ये यूनिक प्रोडक्ट भी सेल कर सकती है, होमोजीनियस सेट ऑफ मार्केट भी ला सकती है, और यहाँ पे ओन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने खुद लेती है. तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा. एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं. यूनिक प्रोडक्ट होता है, होमोजीनियस मार्केट होते हैं इनके, और ये खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाती हैं अपनी खुद की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए. ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेरिक स्ट्रैटेजी. अब हमें बताना है इसमें से कौन सी जेनेरिक स्ट्रैटेजी नहीं है. तो देखिए, कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट फोकस और ग्रुप फोकस. अगर हम जेनेरिक स्ट्रैटेजी की बात करें, जेनेरिक का मतलब होता है सिंपल या जनरल. तो देखिए फ्रेंड्स, जेनेरिक में सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट लीडरशिप को, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को कि प्रोडक्ट किस किस तरह के, एंड ग्रुप फोकस को. जबकि कॉस्ट फोकस जो होता है वो हमारा जेनेरिक स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं होता है. इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं
और रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी इज डिजाइन टू रिड्यूस. अब एक रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी जो होती है वो किस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए डिज़ाइन की जाती है? टेक्निकल लॉसेस को, फाइनेंशियल लॉसेस को, द स्केल एंड स्कोप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन को, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो देखिए फ्रेंड्स, रिट्रेचमेंट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो यहाँ पर रिट्रेचमेंट किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, चाहे वो टेक्निकल लॉस हो रहा है तो उसको रिड्यूस करने की बात हो, फाइनेंशियल लॉस को रिड्यूस करने की बात हो, या फिर किसी भी बिजनेस ऑपरेशन में उसका स्कोप या स्केल को कम करने की बात हो. क्योंकि फ्रेंड्स रिट्रेचमेंट एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है इसमें कंपनी में किसी भी तरह का लॉस हो, किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड, अगर वो लॉस को रिड्यूस करना है तो हम रिट्रेचमेंट की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं. इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा. एथिकल वैल्यूज आर ड्राइव फ्रॉम, जो यानी कि जो एथिकल वैल्यूज होते हैं वो हमारे किस चीज़ से ड्राइव होते हैं? कॉरपोरेट की फिलॉसफी से, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से, कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव से, या फिर रिलीजियस बुक से? तो फ्रेंड्स एथिकल वैल्यूज़ की बात करें तो देखिए एथिकल वैल्यूज़ जो होती हैं ये हमारे एथिकल वैल्यूज़ मोस्टली हम कॉरपोरेट के बेसिस पर देखते हैं कि उस कॉरपोरेट की फिलॉसफी क्या है. यहाँ पर कल्चर से कोई इसका लेना देना नहीं होता है, ना ही कंपनी के ऑब्जेक्टिव से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. रिलीजियस बुक से भी हम एथिकल वैल्यूज़ नहीं ला सकते. रिलीजियस बुक से हम अपने अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं हमारे मेंटलिटी को लेकर, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगर हम एथिकल वैल्यूज़ की बात करें तो कॉरपोरेट फिलॉसफी हमारे यहाँ पे सही टर्म होगा जिसके थ्रू हम अपने एथिकल वैल्यूज़ बना सकते हैं कि ये हमारे वैल्यूज़ हैं, हम इसको लेके काम करेंगे. फिलॉसफी जो होती है उसको लेके यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ऑब्जेक्टिव्स, इसका कोई लेना देना नहीं है. चाहे कल्चर किसी को भी बिलोंग करते हों, चाहे कुछ भी ऑब्जेक्टिव हो, उनके एथिकल वैल्यूज़ उनकी फिलॉसफी पर डिपेंड करते हैं. इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर है. नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स. अब देखिए बिजनेस एथिक्स में यहाँ पर ये बताया गया है कौन कौन से रिलेटेड नहीं है. फर्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, तो ये भी एक बिजनेस एथिक्स की तरह काम करता है. फिर है एनवायरमेंटल एथिक्स. एनवायरमेंटल एथिक्स भी बिजनेस एथिक्स में आता है क्योंकि जब कोई कंपनी बिजनेस करती है तो ये उसकी ड्यूटी हो जाती है, ये उसके एथिक्स में शामिल हो जाता है कि अपने एनवायरमेंट का भी ध्यान रखे. क्योंकि एनवायरमेंट सही होगा तब लोग सही रहेंगे और उसकी कंपनी भी सही से चलती रहेगी. क्योंकि ओवरऑल हम अपनी कंपनी तभी अच्छी चला सकते हैं जब हमारे आसपास के लोग सही होंगे. जब लोग सही नहीं होंगे तो हमारा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? इसलिए यहाँ पर एनवायरमेंटल जो भी इश्यूज़ हैं उसको देखना भी बिजनेस एथिक्स में ही इंक्लूड किया जाता है. फिर आता है इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज. एथिकल कॉन्सिक्वेंसेज, इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज भी बिजनेस एथिक्स का पार्ट होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर नेक्स्ट है प्रॉफिटरिंग. यहाँ पे प्रॉफिटरिंग यहाँ पे नॉट पूछा गया है इसलिए प्रॉफिटरिंग नहीं होगा. क्योंकि फ्रेंड्स किसी भी कंपनी के लिए प्रॉफिट ज़्यादा कमाना, कम कमाना, ये बिजनेस एथिक्स का पार्ट नहीं होता है. ये उस पर उसकी खुद की मर्जी होती है कि वो कितना प्रॉफिट ऐड करे, कितना नहीं करे, ये एथिक्स का पार्ट नहीं है. इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस. अब हमें बताना है जो कॉरपोरेट गवर्नेंस होती है उसमें से कौन सा ये टूल नहीं है. फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कंपल्सरी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑफ टाइम बाउंड प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज. तो देखिए फ्रेंड्स कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइम बाउंड हम नहीं करेंगे प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का, कि किसी भी एम्प्लॉय का प्रमोशन इस टाइम बाउंडेशन के अंदर ही होगा या फिर ये उसकी रिस्ट्रिक्शंस है. तो इस तरह ये कॉरपोरेट गवर्नेंस का टूल नहीं है. हाँ, ये कॉरपोरेट गवर्नेंस का मेन पर्पज़ ये होता है कि अपनी जो कंपनी होती है उसकी ट्रू पिक्चर शो करना. तो देखिए कंपल्सरी ऑडिट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का तो हमारी कंपनी की सही रिपोर्ट प्रेजेंट होगी. फिर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाए जिससे कि ट्रू इन्फॉर्मेशन निकल कर आए. क्योंकि अगर आप जो डिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे वो कभी भी कंपनी की या फिर बिजनेस की सही तरह से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, सही तरह से रिपोर्ट नहीं दिखा पाएंगे. मतलब वो हमेशा कंपनी पर डिपेंडेंट रहेंगे तो कंपनी की जो बुराइयां होंगी उसको छुपाने की कोशिश करेंगे. फिर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही पार्ट होता है. क्योंकि ये सारी चीज़ें हेल्प करते हैं कंपनी की ट्रू पिक्चर दिखाने में, कंपनी को और ज़्यादा प्रोग्रेस करने में, और कंपनी को मतलब
सब तरह से साउंड इफेक्ट प्रोवाइड करती हैं कंपनी को, जबकि अगर हम टाइम बाउंडेशन कर देंगे तो ये कंपनी के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एम्प्लॉय के प्रमोशन की बाउंडेशन कर देंगे तो वहाँ पे वो सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे, तो सही प्रोडक्ट नहीं निकल कर आ पाएगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड गाइडेंस टू मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज. अब जो बिजनेस का जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो किस तरह के मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को गाइडेंस प्रोवाइड करता है. व्हेन दे एनकाउंटर एन एथिकल डिलेमा, जब वो एनकाउंटर करें एथिकल डिलेमा को, फॉर इम्प्रूविंग देयर टेक्निकल स्किल्स, फॉर परस्यूइंग देयर बिजनेस गोल्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव. तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जा रही है जो कि मैनेजर्स और एम्प्लॉयज को हेल्प करता है गाइडेंस करने में. तो फ्रेंड्स देखें यहाँ पर ये एनकाउंटर करते हैं एथिकल डिलेमा का, ये भी बिल्कुल सही है जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं हमारे, और ये हमारे टेक्निकल स्किल में भी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, ये हमारे बिजनेस गोल को परचेज करने में हेल्प करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं, द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज द वे इन विच स्ट्रैटेजीज डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स एंड. अब ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कौन सी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर स्ट्रैटेजीज डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को एंड अनदर दूसरी चीज को, वो क्या है. तो देखिए यहाँ पर दी जा रही है मेक प्लानिंग, मेक कोऑर्डिनेशन, मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजन, या फिर मेक कंट्रोलिंग. तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यहाँ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रैटेजिक डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स है तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन की भी बात करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है. अगर यहाँ पे स्ट्रैटेजिक नहीं दिया होता, ओनली मैनेजमेंट दिया होता, तो हम मेक प्लानिंग, मेक कोऑर्डिनेशन और मेक कंट्रोलिंग भी यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होते, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की बात की जा रही है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, इसलिए स्ट्रैटेजिक डिसीजन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एज डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व. अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो है वो एज अ डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस है जो कि हमारा इन्वॉल्व होता है, किस किस चीज़ों को इन्वॉल्व करता है. एंड ऑर्गेनाइजेशंस एंगेजिंग इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड देन एक्टिंग ऑन दोज प्लान्स, यानी ऑर्गेनाइजेशन को इंगेज करता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने में, और फिर उन एक्टिंग, मतलब एक्टिंग का मतलब यहाँ पर, और फिर वर्क करता है उन प्लान पर. नेक्स्ट है, एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी इन रेस्पेक्ट ऑफ फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस के रेस्पेक्ट में ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी होती है, यानी कि जितना फाइनेंस होगा उसके अकॉर्डिंग वो लोग वर्क करेंगे, एक्टिविटी करेंगे. फिर है एन अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि एक अकाउंटिंग सिस्टम वो अडॉप्ट करेंगे. तो यहाँ पे देखिए इसके राइट आंसर की बात करें डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस में, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और एक्टिंग करता है उस पर. तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात आ रही है तो कोई भी काम होगा उसमें स्ट्रैटेजिक वर्ड जरूर आएगा, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड देन एक्टिंग ऑन दोज प्लान्स, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, वैसे और पॉइंट भी सही है लेकिन यहाँ पे स्ट्रैटेजी से कोई उनका कनेक्शन नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट है स्ट्रैटेजी डील्स. अब जो स्ट्रैटेजी होती है वो हमारी किसके साथ डील करती है, प्रोडक्ट के साथ, डिमांड के साथ, चॉइस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या ऑल ऑफ द अबव. तो देखिए यहाँ पे स्ट्रैटेजी की बात करें तो फ्रेंड्स जब हम कोई भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वो स्ट्रैटेजी कभी भी हम डिमांड को लेके नहीं बनाते, प्रोडक्ट को लेके नहीं बनाते, हमेशा हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्शंस होते हैं और उसकी चॉइस होती है उसके अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट आते हैं, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज द सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस इन फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज डिजाइन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, यानी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक ऐसा सेट ऑफ डिसीजन है और एक वर्क करता है किसी भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करके उसको फॉर्मुलेशन करने में, और ये किस चीज़ के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करता है, मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन के, कस्टमर के, या फाइनेंस के. वेरी सिंपल इसका आंसर राइट है ऑप्शन ए, सॉरी बी, ऑर्गेनाइजेशन के, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा. नेक्स्ट आते हैं,
Dash is a set of rules aimed at taking decision for substance and growth of an organization in a given environment. हमें बताना है कि ऐसी क्या चीज है जो कि सेट ऑफ रूल्स होती है जिसका एम होता है डिसीजन लेना और ऑर्गेनाइजेशन जो भी एनवायरनमेंट हमें दिया हुआ है उस एनवायरनमेंट में उस ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करना. तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट या फिर फाइनेंसिंग मैनेजमेंट. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. फ्रेंड्स, फाइनेंस मैनेजमेंट में फाइनेंस के रिगार्डिंग चीजें देखी जाती हैं कि हमें कहाँ से फंड रेज करना है, कहाँ कहाँ अपना फंड इन्वेस्ट करना है जिससे कि हमारा जो फाइनेंस है हम उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट या फिर बेनिफिट ले सकें. प्रोडक्शन मैनेजमेंट में ये देखा जाता है कि हम किस किस चीज में प्रोडक्शन करें जिससे कि हमारा जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें पैसा लगा रहे हैं वो हमें उससे डबल हमें रिटर्न में मिल जाए. मार्केटिंग में हम मार्केट से रिलेटेड सारे मैनेजमेंट को देखते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट से रिलेटेड ग्रोथ की बात की गई और उस पर डिसीजन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आएगा क्योंकि ये पूरी स्ट्रैटेजिक का पार्ट होती है कि हमें किस तरह से क्या सारी चीज़ें करनी है. ऑप्शन सी राइट है. नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन रखेंगे. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स, अब जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है. द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन एंड विजन, डिटरमाइनिंग स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज, टेकिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन या फिर ऑल ऑफ द अबव. देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जो भी जब भी हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करेंगे तो जब भी आप कोई भी उसका स्टेटमेंट पढ़ें तो वहाँ पे स्ट्रैटेजी वर्ड जरूर आएगा, यानी कि कोई भी काम जब हम स्ट्रैटेजी को लेकर करते हैं तो हमारा स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है. तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात की जा रही है डिटरमाइनिंग स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज, यानी कि जो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी उसको डिटरमाइन करना, तो यानी बी ऑप्शन सही है. फिर आ रहा है टेकिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन, ये भी हमारा सही है क्योंकि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड डिसीजन की बात की जा रही है, तो जब दो सही हैं तो ऑफकोर्स हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा. फर्स्ट और देख लेते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन एंड विजन. तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन एंड विजन की बात की जा रही है तो इसमें हिडन है स्ट्रेटजी की बात की जा रही है, इसलिए ऑप्शन ए भी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है. तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. आई होप आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के शेयर कीजिएगा और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताएं. आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे हम और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.